बच्चों, हम पिछले सेशन में फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, यानी एम्ब्रियोसिक कैसे डेवलप होता है, वो हम पढ़े थे। और उस सेशन में हम मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट कर दिए थे। और उससे पहले वाला सेशन में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन के बारे में पढ़े थे। आज मैं आपको इस सेशन में एक कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट देने जा रही हूँ। तो ऑलरेडी मैं डायग्राम बना चुकी हूँ और डायग्राम कैसे बनाना है मैं प्रीवियस सेशन में आपको बता चुकी हूँ, और ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मेल गैमेटोफाइट एंड सेकेंड वन इज़ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। सो व्हिच स्ट्रक्चर इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट, किसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं? पोलन ग्रेन। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना है आपको, ठीक है? क्यों इसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है? क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनता है और ये पोलन ग्रेन मेल गैमेट को कैरी करता है, इसलिए इसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। सिमिलरली एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये फीमेल गैमेट यानी एग को कैरी करता है और एग का फॉर्मेशन भी इसी के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट, दोनों का कंपैरिजन मैं बता रही हूँ आपको, ये डिफरेंस में भी आप लिख सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मेल गैमेटोफाइट जो है ये कहाँ से डेवलप होता है? माइक्रोस्पोर से। ये माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है, ठीक है? और फीमेल गैमेटोफाइट जो है कहाँ से डेवलप होता है? मेगास्पोर से, ठीक है? इसीलिए फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होने से पहले जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सिमिलरली फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन से पहले जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है? और सेकेंड डिफरेंस है कि मेल गैमेटोफाइट एक बार बनने के बाद ये अंतर का जो माइक्रोस्पोरांजियम होता है वहाँ से रिलीज हो जाता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है ये रिलीज हो जाता है। अब हमने आपको डेहिशंस के बारे में बताया था, तो जब अंतर डेहिस होता है तो पोलन ग्रेन रिलीज होता है, यानी पोलन ग्रेन परमानेंटली माइक्रोस्पोरांजियम के अंदर नहीं रहता। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल यानी मेगास्पोरांजियम के अंदर परमानेंटली एम्बेड होता है, परमानेंटली रहता है, ये कभी रिलीज नहीं होता, ठीक है? ये हो गया दूसरा डिफरेंस। और हम आगे अभी इसका डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इंक्लूड्स टू फेजेस, इसका दो फेज होता है, एक है प्री पोलिनेशन और एक है पोस्ट पोलिनेशन। प्री पोलिनेशन में क्या होता है? प्री पोलिनेशन में इसका टू सेल्ड स्टेज होता है, ठीक है? और पोस्ट पोलिनेशन, पोलिनेशन होने के बाद ये थ्री सेल्ड बन जाता है। जैसे हमने आपको बताया था 60% केसेस में ये आपका जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो टू सेल स्टेज में होता है 60% में, और 40% में आपका थ्री सेल स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है? अभी हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का, इसका डेवलपमेंट सिंगल फेज में, एक ही साथ में इसका जो डेवलपमेंट हो गया है, ये स्ट्रक्चर बन गया है, ये परमानेंटली रहता है, इसका कोई चेंज नहीं होता, ठीक है? एंड ये जो है पोलन ग्रेन है टू सेल्ड हो सकता है या फिर थ्री सेल्ड हो सकता है, और आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये हमेशा सेवन सेल्ड होता है,
ठीक है, ये और एक डिफरेंस है. मेल गैमेटोफाइट मे बी टू सेल्ड और थ्री सेल्ड, बट फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑलवेज सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएटेड. ठीक है, सो ये जब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, मैंने बताया था कि स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलता है और पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट मूव करता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फीमेल गैमेट यानी एग जो है वो एक परमानेंटली एक जगह पर होता है, ये कहीं मूव नहीं करता. अभी हम स्ट्रक्चरली और कुछ डिफरेंस ये दोनों का देखेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर लेबलिंग कर दिया है टू सेव द टाइम, टाइम सेव करने के लिए. तो मेल गैमेटोफाइट का दो लेयर होता है, आउटर लेयर. एक है एग्जाइन जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनता है. स्पोरोपोलेनिन इज रेजिस्टेंट टू हाई एसिड, हाई अल्कली एंड इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू द एडवर्स कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट. उसके अलावा इसको इस वजह से फॉसिल के रूप में ये प्रिजर्व हो सकता है और कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि एग्जाइन को डाइजेस्ट कर सकते. उसके नीचे यानी एग्जाइन के नीचे इंटाइन होता है जो कि आपका सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ होता है, एंड पेक्टिन से बना हुआ होता है. उसके बाद अभी उसका अंदर वाला स्ट्रक्चर देखेंगे. अंदर में वेजिटेटिव सेल, बड़ा सा सेल होता है, उसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है या ट्यूब सेल कहा जाता है. और ट्यूब सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो भी बड़ा होता है, इसलिए उसको ट्यूब न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है. और एक बात है, यहाँ वेजिटेटिव सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो वेजिटेटिव सेल है ये मेल गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये न्यूट्रिएंट जरूर प्रोवाइड करता है जेनरेटिव सेल को टू फॉर्म द मेल गैमेट. तो मेल गैमेट बनता है जेनरेटिव सेल से, वेजिटेटिव सेल सिर्फ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जेनरेटिव सेल को. उसके अलावा आप जो वेजिटेटिव सेल है वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वैक्यूल्स हैं, दीज आर द वैक्यूल्स. देन द स्मॉलर सेल व्हिच इज़ फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल, और उसका न्यूक्लियस को कहा जाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस. उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ जगह पर एंड मैक्सिमम थ्री जगह ऐसे होता है जहाँ पर आपका जो एक्साइन है एक्साइन कंटिन्यू नहीं होता, वहाँ पर एक्साइन इज लैकिंग, एक्साइन नहीं होता, सिर्फ इंटाइन होता है. जैसे ये जगह, ये जगह और ये जगह, तो इसको कहा जाता है जर्म पोर. और ये जर्म पोर के थ्रू इंटाइन अलोंग विथ द न्यूक्लियस कम्स आउट एज पोलन ट्यूब. अभी हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. फीमेल गैमेटोफाइट आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा सेल है. ठीक है, ये सबसे जो बड़ा सा सेल है ये सेल इट्सेल्फ इज द एम्ब्रियो सैक और उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं. तो इसका दो एंड होता है, एक है चलाजल एंड जो कि बेसल पार्ट ओव्यूल का बेसल पार्ट की तरफ होता है, और दूसरा है माइक्रोपाइलर एंड जो कि ओव्यूल का माइक्रोपाइल की तरफ होता है. और ये जो बड़ा सा सेल है ये बड़ा सेल को कहा जाता है सेंट्रल सेल. ये बड़ा सेल आप देख सकते हैं, ये बड़ा सेल सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल में जो दो न्यूक्लियई होते हैं उसको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियई. तो कितने होते हैं पोलर न्यूक्लियई, दो पोलर न्यूक्लियई होते हैं. उसके अलावा चलाजल एंड की तरफ तीन सेल आप देख सकते हैं जिसको कहा जाता है एंटीपोडल्स, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आप तीन सेल देख सकते हैं, ये ये और ये. इनमें से ये जो दो लेटरल सेल है उसको कहा जाता है सिनर्जिड, और जो बीच में आप एक सेल देख सकते हैं वो है एग सेल. और सिनर्जिड में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं, उसको कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस का काम मैं आगे जाकर बताऊंगी. तो ये था कुछ कंपैरिजन बिटवीन एंड डिफरेंस बिटवीन फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट.
अभी हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें से गैमेट फॉर्मेशन, उसमें दो इवेंट था हमने बताया था आपको, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट वाला जो स्टेप होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का, नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। सो ट्रांसफर ऑफ गैमेट हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर ऑफ गैमेट को कहा जाता है पॉलिनेशन, सो दिस साइंटिफिक टर्म्स शुड बी यूज्ड। सो पॉलिनेशन क्या है बच्चों, आप लोअर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो पॉलिनेशन, आई थिंक यू हैव स्टडीड इट इन क्लास सेवेंथ इवन। सो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। सो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स क्या है आपको मालूम है, रिलीज फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। तो ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होके स्टिग्मा तक जाता है वो सेम फ्लावर में हो सकता है या फिर दो डिफरेंट फ्लावर, एक ही प्लांट का दो डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है या फिर दो डिफरेंट प्लांट का दो डिफरेंट फ्लावर में हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पॉलिनेशन, और ये पॉलिनेशन तीन तरह का होता है। एक है ऑटोगैमी जिसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, या होमोगैमी, इसको सेल्फ पॉलिनेशन या होमोगैमी भी कहा जाता है। जेटनोगैमी दूसरा है, जेटनोगैमी, और तीसरा है जेनोगैमी, जेनोगैमी या एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। फिर से बताती हूँ बच्चों आपको, पहला है ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन या होमोगैमी, नेक्स्ट है जेटनोगैमी, और तीसरा है जेनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। या फिर एलोगैमी और हेटेरोगैमी। तभी ये तीनों क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ये तीनों में डिफरेंस क्या है। पहला केस है ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये है, जैसे आपको पता है कि ये है पिस्टिल, ये है पिस्टिल, द होल स्ट्रक्चर इज पिस्टिल, और ये है स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा और ये है एंथर, ठीक है। सो जब पोलन ग्रेन निकल के कहाँ से निकलता है, एंथर से निकलता है, एंथर से पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर एक ही फ्लावर का, ये एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर का एंथर से निकल के पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर का स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो उसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, या ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, ओके। देन उसके बाद हम देखेंगे जेटनोगैमी, जेटनोगैमी में आप देख सकते हैं ये एक ही प्लांट है, एक प्लांट का दो ब्रांच में दो फ्लावर हमने बनाया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो फ्लावर का पिस्टिल भी है और स्टैमेंस भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लावर का सपोज से दिस इज एंथर एंड दिस इज स्टिग्मा, तो एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होके अगर दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो आप देख सकते हैं यहाँ सेम फ्लावर का स्टिग्मा पर आपका जो पोलन ग्रेन है वो नहीं गिर रहा है, वो डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट के ऊपर एंथर से जो रिलीज हुआ है पोलन ग्रेन वो गिर रहा है, तो इसको कहा जाता है जेटनोगैमी। अभी हम देखेंगे तीसरा टाइप, जो थर्ड टाइप है जेनोगैमी या आपका ऑटो एलोगैमी और हेटेरोगैमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो डिफरेंट प्लांट है, सो ये प्लांट ए ये प्लांट बी,
तो दोनों में मैंने पिस्टिल बनाया और स्टैमेंस भी बनाया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक प्लांट का फ्लावर से, फ्लावर का जो आंथर से पोलन रिलीज होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो इसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन या एलोगैमी या ज़ेनोगैमी। अभी अगर हम इनका जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी है, इससे जो प्लांट प्रोड्यूस होता है, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट से जो नया प्लांट बनता है उस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर द फर्स्ट केस है आपका ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्योंकि सेम फ्लावर का अंतर से, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरता है, इसीलिए यहाँ पर कोई जेनेटिक वेरिएशन दिखाई नहीं देता। इससे जो नया प्लांट प्रोड्यूस होता है उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखाई देता, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद हम देखेंगे जेटोनोगैमी। जेटोनोगैमी में भी आप देख सकते हैं एक ही प्लांट का दो डिफरेंट फ्लावर है, एक ही प्लांट का सारे जितने सारे सेल्स होते हैं, जितने सारे पार्ट्स होते हैं, सब में जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है वो सेम रहता है। इसीलिए ये इस केस में भी जो प्लांट ग्रो करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं रहेगा, यानी पेरेंट और जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके बीच कोई जेनेटिकली डिफरेंस वो नहीं होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो ऑटोगैमी और जेटोनोगैमी ये दोनों केस में आपका जो डॉटर प्लांट्स होंगे वो जेनेटिकली पेरेंट प्लांट के साथ आइडेंटिकल होंगे। लेकिन आपका क्रॉस पोलिनेशन, यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट प्लांट है, दो डिफरेंट प्लांट है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट है, इसीलिए जब क्रॉस पोलिनेशन होता है, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट का स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, तो दो गैमेट डिफरेंट प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं और वो फ्यूज होते हैं। तो वो जो गैमेट हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो अलग अलग होता है। इसीलिए जब जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो उसमें क्या हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है वो मिक्सअप हो जाता है दो डिफरेंट प्लांट का। इसीलिए इनसे जो डॉटर प्लांट या ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली वेरिएबल होते हैं, यानी वो जेनेटिकली पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं, किसी भी प्लांट के साथ उनका पूरा सिमिलरिटी नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीन तरह का पॉलिनेशन, दैट इज़ ऑटोगैमी, जेटेनोगैमी एंड ज़ेनोगैमी। अभी हम एग्जांपल की बात करेंगे। ऑटोगैमी इज सीन इन केस ऑफ पी, राइस, व्हीट एंड क्लेस्टोगैमस फ्लावर ऑफ वायोला, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना। आई विल टेल यू कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है। क्लेस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जेटोनोगैमी का एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉर्न, और ज़ेनोगैमी का जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है स्क्वाश, ऑनियन, ब्रोकोली, स्पिनाच एंड ग्रासेस। ये रहा आपका कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी हम एक एक तरह का पॉलिनेशन जो है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोगैमी के बारे में, क्योंकि ऑटोगैमी में हमको कुछ स्पेशल टाइप के फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हम ऑटोगैमी को अच्छे से पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पर आपको और एक चीज़ बता दूँ, ऑटोगैमी के लिए कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है जनरली सेल्फ पोलिनेशन के लिए, क्योंकि स्टिग्मा खुद का अंतर से, खुद का स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरता है तो उसका पोजीशन भी उसी तरह होता है। तो यहाँ पर कोई एजेंट लाइक विंड, इंसेक्ट, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है पोलन ग्रेन कैरी करने के लिए। लेकिन जेटेनोगैमी में क्योंकि ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, चाहे वो सेम प्लांट का हो, तो यहाँ पर
क्योंकि एक डिस्टेंस रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक एजेंट की ज़रूरत होती है, वो चाहे विंड हो या एनिमल हो या फिर इंसेक्ट हो। और ज़ेनोगैमी में हमेशा एक एजेंट की ज़रूरत होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि ये दो प्लांट है, टू डिफरेंट प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है, तो ये दो फ्लावर जो है वो डिस्टेंटली प्लेस्ड होते हैं, तो पोलन ग्रेन को कैरी करने के लिए हमेशा एक एजेंट की ज़रूरत होती है। सो बेसिंग ऑन, अगर हम एजेंट की बात करें तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, जेटनोगैमी और ज़ेनोगैमी के लिए एजेंट की ज़रूरत होती है। अभी हम देखेंगे जो, जैसे मैंने बताया कि ऑटोगैमी थोड़ा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। सो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी कब होगा ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो ऑटोगैमी के लिए कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत है, कुछ कंडीशन की ज़रूरत होती है। पहला है, साइड हो गया है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। द फर्स्ट कंडीशन इज देर मस्ट बी सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज, इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, दूसरा है, मैं समझा दूंगी सारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू द एंथर, सिग्मा शुड बी क्लोज टू द एंथर। ओके, ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाकर आपका सेल्फ पोलिनेशन आसानी से हो सकता है। तो पहला है सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। सपोज से एक फ्लावर का पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, सेल्फ पोलिनेशन की बात मैं कर रही हूँ, तो फ्लावर से आपका ये है सपोज एंथर, दिस इज एंथर, स्टिग्मा यहाँ पर स्टिग्मा है, ठीक है, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हो गया। ओके, लेकिन स्टिग्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ लेकिन एंथर मैच्योर हो गया, तो एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो गया। स्टिग्मा अगर रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है तो सेल पोलिनेशन कभी नहीं हो सकता। सेल पोलिनेशन होने के लिए पोलन ग्रेन रिलीज होने जब होता है तब स्टिग्मा रिसिप्टिव होना चाहिए, स्टिग्मा मैच्योर हो जाना चाहिए, यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही टाइम में मैच्योर होना चाहिए ताकि जब पोलन ग्रेन रिलीज हो तो स्टिग्मा उसको इमिडिएटली रिसीव कर लेगा। और दूसरा पॉइंट है कि स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू द एंथर, स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू द एंथर, यानी ऐसा पोजीशन दोनों का होना चाहिए कि एंथर से जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज हो तो वो स्टिग्मा के ऊपर ही जाके गिरे। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कि एंथर थोड़ा ऊपर, एंथर थोड़ा जो ऊपर वाले पोजीशन में है और स्टिग्मा थोड़ा नीचे वाले पोजीशन में है, तो यहाँ से अगर पोलन ग्रेन रिलीज होगा तो दैट विल श्योरली फॉल ऑन द स्टिग्मा। और ऐसे नहीं है कि ये आपका एक स्टामेन यहाँ पर इतना दूरी पर है तो भी सेल्फ पोलिनेशन होने का चांस बहुत कम होता है, इसीलिए ये इतना क्लोज होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ इतना क्लोज होना चाहिए ताकि यहाँ से जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज हो वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तब ऑटोगैमी या सेल्फ पोलिनेशन ज़रूर होता है।
यहाँ पर बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने जेटनोगामी का एग्जांपल में ही आपको दे दिया था, भायोला, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना, ये तीन एग्जांपल दिया था और उसमें मैंने एक टर्म यूज किया था क्लेस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो अभी मैं बताने जा रही हूँ ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है। ये जो आपके ऑक्सालिस, कॉमेलिना एंड भायोला, भायोला मीन्स कॉमन पैंसी, जो पैंसी है आप अपने स्कूल में अक्सर आपने देखा होगा, अपने गार्डन में ये हमेशा रखा जाता है, हर स्कूल में रखा जाता है। तो इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं बच्चों, तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ वायोला, ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना, ये तीन केसेस में दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक है जैस्मोगैमस और एक है क्लेस्टोगैमस। ठीक है बच्चों, सो ये जो दो तरह का फ्लावर में डिफरेंस क्या है, चैस्मोगैमस फ्लावर वो होता है जो कि आपका नॉर्मल फ्लावर की तरह होता है, ये फ्लावर हमेशा ओपन होता है, सो इट इज ओपन। ठीक है, सो ये नॉर्मल फ्लावर जैसा ही होता है और इसका ओपन यानी इसका जो अंतर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, अंतर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, इसीलिए इनके लिए क्रॉस पोलिनेशन इस फ्लावर में हो सकता है चैस्मोगैमस में, लेकिन क्लेस्टोगैमस फ्लावर जो है वो कभी ओपन नहीं होता, सो इट इज नेवर ओपन्स, ये कभी खुलता नहीं है। तो आप इसमें दो तरह का आप देख सकते हैं, आपका बुक का ही डायग्राम एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप इतना सुंदर तो होगा नहीं लेकिन मैं यहाँ आपका आपको समझाने के लिए बस आई विल ट्राई इट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लोअर मतलब लोअर साइड की तरफ जो प्लांट का, सपोज से दीज आर द फ्लावर्स, ये जो फ्लावर होते हैं क्लोज फ्लावर होते हैं और ऊपर की तरफ जो फ्लावर होते हैं वो ओपन फ्लावर होते हैं। ठीक है, और ये है आपका चैस्मोगैमस फ्लावर, चैस्मोगैमस फ्लावर, और ये है आपका क्लेस्टोगैमस गैमस फ्लावर। तो अभी क्लेस्टोगैमस फ्लावर में ऐसा नहीं है कि उसमें स्टिग्मा और एंथर नहीं होता या मैच्योर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्लेस्टोगैमस फ्लावर के अंदर भी स्टिग्मा और एंथर दोनों होते हैं और दोनों मैच्योर भी होते हैं, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज भी होता है, स्टिग्मा रिसेप्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये फ्लावर कभी ओपन नहीं होता, तो ये जो हमारा दो कंडीशन है ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होता है, यानी स्टिग्मा इज रिसेप्टिव एंड पोलन इज रिलीज्ड एट द सेम टाइम, और दूसरा है स्टिग्मा इज ऑलवेज क्लोज टू द एंथर, एंथर का बहुत क्लोज में होता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन क्लेस्टोगैमस फ्लावर ये ओपन होता है और इसमें आपका स्टिग्मा एंड एंथर दोनों एक्सपोज होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि चैस्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस फ्लावर में
जैस्मोगैमस द नॉर्मल फ्लावर है, उसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, लेकिन क्लेस्टोगैमस फ्लावर का एडवांटेज कितना है और डिसएडवांटेज कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लेस्टोगैमस फ्लावर में, पहले एडवांटेज बता देती हूँ, क्लेस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होता, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सो द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज श्योर, मीन्स डेफिनेटली आपका पॉलिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए वहाँ से सीड प्रोड्यूस होने का चांसेस बहुत होता है। इसके लिए कोई पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ता, ये है इसका एडवांटेज। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि इसमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, तो इससे जो सीड प्रोड्यूस होता है उस सीड में कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होता, जेनेटिकली वो डिफरेंट नहीं होता, इसीलिए इट प्लेज वेरी लेस रोल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में बहुत कम रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बच्चों, ये टर्म आपको याद रखना है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी बार बार सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको इनब्रीडिंग भी कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन के वजह से धीरे 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 आफ्टर सेवरल जनरेशन, काफ़ी जनरेशन के बाद वीकर प्रोजेनी, वीकर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो वीक कैरेक्टर होता है वो एक्सपोज होने लगता है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि चैस्मोगैमस फ्लावर क्या है, क्लेस्टोगैमस फ्लावर क्या है, और क्लेस्टोगैमस फ्लावर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने बता दिया। डिसएडवांटेज में ये अक्सर पूछा जाता है आपको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है और क्लेस्टोगैमस फ्लावर से क्यों होता है, या फिर क्लेस्टोगैमस फ्लावर का एक एडवांटेज एंड एक डिसएडवांटेज बताओ। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो बच्चों इस तरह का आपका आंसर लिखना है। तो आशा करती हूँ कि आपको पॉलिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपका पॉलिनेशन के लिए हमने बताया था कि जेटनोगैमी एंड जेनोगैमी, ये दोनों में दोनों केसेस में पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात बता दूं बच्चों, यहाँ पर जो जेटेनोगैमी प्लांट होता है, इससे जो सीड या प्लांट प्रोड्यूस होता है उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, सो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो डिफरेंट फ्लावर के बीच हो रहा है, लेकिन ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, इतना आप याद रखो बच्चों, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, बट मॉर्फोलॉजिकली अगर बाहर से देखा जाए तो ये दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है, इसीलिए इसको मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम, फिर इसी चैप्टर पॉलिनेशन के साथ, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।